Good morning and welcome back to the channel. So today is day 6 of the Tour of Uttarakhand and we are riding to Binsar. Approximately the distance from here is around 150 kilometers. Probably it will take like yesterday break leke hum chalenge to 6 to 7 hours. वैसे जाएंगे तो 5 hours. वैसे कोई जाएगा नहीं. तो अभी briefing time है यहाँ पे. As you can see, all of us are gearing up right now. Sherpani is also gearing up. एंड सुबह सुबह हम उठे थे, वो चेन ल्यूबिंग फ्यूबिंग जो भी था वो सब कर लिया. तो यहाँ से राइड आई थिंक 10-15 किलोमीटर थोड़ा सा ख़राब रोड होगा, हो सकता है बीच में पैचेस, बट आफ्टर दैट इट विल बी अ वेरी स्मूथ राइड. लाइक यस्टरडे यू हैव ऑलरेडी सीन द टर्मैक ऑफ द रोड्स, दैट वॉज एब्सोल्युटली फाइन. सो फॉर द टाइम लेट्स हिट ऑन द रोड्स एंड सी ऑल ऑफ देयर, राइट? एंजॉय द व्यू. The tour to Binsar starts. ये देखिए सामने हो गया लैंडस्लाइड और यहाँ पे बीआरओ काम कर रहा है. फर्स्ट लैंडस्लाइड हुआ एंड दिस इज़ क्वाइट एविडेंट. ऐसे जर्नी पे हो ही सकता है कभी भी, तो हम सब राइडर्स अभी वेट कर रहे हैं कि ये कप साफ हो जाए एंड देन विल अगेन मेक थ्रू इट. तो आपको थोड़ा सा सीनरी दिखाते हैं इसके आसपास का, बहुत अच्छे नज़ारे हैं. एंड शर्वानी यहाँ पे है एंड इंस्टा की स्टोरीज बना रहे हैं जो अभी आप देख रहे हो. इनका इनफैक्ट इनका पहले ही आप देख लिए थे. अभी हम हैं बीच में कहीं पे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस. The beauty is awesome over here. और क्यों चने के झाग पे चढ़ा रहे हैं उसको? अभी ऐसा है कि from here approximately 75 kilometers बाकी है बिनसर की तरफ. नहीं सॉरी, हाँ बिनसर की तरफ. कुछ राइडर्स चल रहे हैं, कुछ राइडर्स यहाँ पे रुका हुआ है एंड इट्स अ वेरी ऑसम व्यू ओवर हियर. यू कैन सी द कम्प्लीट व्यू. We are still in the mountains. Binsar is at a height of about 6500 feet. So probably थोड़ा बहुत तो ठंड रहेगा, ज़्यादा नहीं. अभी तक का राइड बहुत अच्छा था. शुरुआत में थोड़ा लैंडस्लाइड्स वगैरह मिला था, बट नाउ द टर्मैक इज फैंटास्टिक एज यू कैन सी. बट यस, दिस आर वेरी नैरो रोड, सो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग द कॉर्नर्स एंड ऑल. तो कल आप लोग ने देखे ही होंगे कि कितना ऑफ रोडिंग था, मतलब इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टर्मैक. रात को एक्चुअली ये है कि हाथ बहुत सोलेन हो गया था शेरवानी का, ऑल्दो द थिंग्स वेंट वेल. सो देन वी डिसाइडेड कि इट्स बेटर टू राइड सेफ. सो हमने डिसाइड किया कि हम पिलियन, मैं पिलियन राइड करूंगी. राइट, एंड वी आर राइडिंग एज अ पिलियन फ्रॉम नाउ. बट ऐसा नहीं है, शेरवानी को भी राइड करने का मौका मिलेगा. मेरी बाइक इफ आई वांट आई कैन, वो चंद्रचूड़ बन जाएगा पिलियन. तो आपको यहाँ का व्यूज दिखाते हैं थोड़ा, राइट? सो अगेन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट अननोन प्लेस. नाउ बिल्कुल बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए. तो आपको अभी पता ही है कि शेरवानी मेरा पिलियन में बैठा है एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू द ब्लूटूथ. मस्त में बात करते करते हम चल रहे हैं.
यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि रास्ता बहुत सोडू बोल रहा हूँ, सोडू तो बंगाली में बोलते हैं, रास्ता बहुत पतला है। तो मतलब टर्मैक वाला रोड है तो वो मतलब वो बार बार बोलता है कि जोर से चलो, बट नहीं जाने का। जोर से अगर गए तो भाई बाहर ही चला जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल करना आना चाहिए। विंसर राइट नाउ, आई मीन नाउ द टाइम इज 3:10। तो अभी यहाँ पे क्या है, वी आर स्टेइंग एट असार जंगल रिजॉर्ट। यहाँ से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हम अभी जाएंगे, और वो भी बाइक्स पे। बाइक्स पे जाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सामान रखने आए हैं तो बस निकल ही रहे हैं। और आपको दिखाते हैं सेंचुरी के अंदर बाइक्स में जाने का कैसा एक्सपीरियंस होता है। चलिए हम घूम के आ गए विंसर वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट। बहुत कुछ देखने को मिला, आप भी देख, आप ऑलरेडी देख लिए होंगे। कुछ नहीं मिला कोई वाइल्ड लाइफ पहले कुछ नहीं मिला हो सकता है इस टाइम में ना मिला होगा, आई एम नॉट मतलब ऐसा हम बोल नहीं रहे कि हो सकता है बाद में कुछ मिले। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे मस्त वाला रिजॉर्ट में बुकिंग किया है रॉयल एनफील्ड ने। शर्मन इज ऑलरेडी गोइंग अप। ये है हमारा रिजॉर्ट एंड हम है टॉप फ्लोर में वहाँ पे। तो बहुत अच्छा व्यू है, आई मीन द रिसोर्ट आर, या द रिसोर्ट्स आर फाइन। यहाँ पे इंडिविजुअल होम्स है, मतलब रूम्स। सो ऐसे नज़ारे हैं, इज वेरी गुड, जस्ट फील लाइक इनसाइड द फॉरेस्ट। कसार जंगल रिजॉर्ट, ओके। एंड यू कैन सी ये सबसे मस्त जगह है, बेड के साइड में है ये, और यहाँ से पूरा एकदम व्यू ऐसे मस्त दिखता है। बाहर पे बैल्कनी भी है, और बाहर का व्यू देखिए, पूरा इनसाइड द जंगल। सीसीडी इज प्रिपेयरिंग टी फॉर मी।